तो दोस्तों आपने तो जरूर देखा होगा 2015 में आने वाला प्रभास की बाहुबली 2 मूवी। क्या दोस्तों आपको पता है इस मूवी को किस तरह से शूट किया गया है और कितना मेहनत से इसका VFX लगाया गया है और कितना मेहनत से इस मूवी को बनाया गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम यही बताएंगे कि इस मूवी को किस तरह से शूट किया गया है, किस तरह से VFX में काम किया गया है और किस तरह से इस मूवी के अंदर एक्शन सीन को शूट किया गया है। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में कवर करने वाले। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको तो वो सीन याद ही होगा जब प्रभास तमन्ना के पास जाने के लिए धरने के उस पर छलांग लगाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पे VFX यूज किया गया था। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे पूरा ही ग्रीन स्क्रीन का अंदर वीडियो को शूट किया गया था और यहाँ पे देख सकते हो कितना बेहतरीन लुक दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हो बाहुबली नंबर 1 पे यहाँ पे देख सकते हो 1000 फीट का पहाड़ को छलांग लगाने के लिए यहाँ पे देख सकते हो कूद जाता है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो के अंदर ना सब कुछ VFX के द्वारा किया गया है। यहाँ पे देख सकते हो टिशू पेपर को सजा के यहाँ पे झरना रिवर्स बनाया गया था और ये जो फिल्म है ये फिल्म केरला में शूटिंग हुआ था और तब जाके बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा था और इसीलिए राजामौली को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। और दोस्तों आपने तो जरूर देखा होगा भल्लाल देव को सांड के साथ लड़ाई करते हुए। लेकिन दोस्तों मैं बता दूँ ये जो सांड है पूरा 3D मॉडल का सांड है। यहाँ पे नकली सांड दिखाया गया था, यहाँ पे असली सांड नहीं था। और ये सांड का जो सर है ये प्लास्टिक का है और इसको पकड़ के यहाँ पे शूट किया गया था ग्रीन स्क्रीन के अंदर। यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हो। तो दोस्तों आपने तो माहिष्मति साम्राज्य को जरूर देखा होगा। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पे देख सकते हो पूरा ये जो शहर है माहिष्मति साम्राज्य है ये पूरा रियल बनाया गया था। यहाँ पे देख सकते हो रियल CGI की मदद से, ग्रीन स्क्रीन की मदद से और लकड़ी की मदद से पूरा बनाया गया था और यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग देखने आते थे रोज शूटिंग, ठीक है दोस्तों। और इस फिल्म को बनाया गया था रामोजी फिल्म स्टूडियो में बनाया गया था और उसका साथ केरला में और भी बहुत सारा जगह में ये फिल्म को शूट किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे जब युद्ध होता है तब यहाँ पे देख सकते हो आप लाखों की तादाद में फिल्म में सिपाही आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूँ यहाँ पे 90% सिपाही बिल्कुल फेक था और 10% सिपाही यहाँ पे असली था और उसको एडिटिंग करके पूरा लाखों की तादाद में यहाँ पे सिपाही बनाया देता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा सिपाही यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता है कॉपी करके। तो दोस्तों आपको तो वो सीन याद ही होगा जब प्रभास दौड़ते हुए जाते हैं और पानी का डैम के ऊपर जाते हैं उसको खोलने के लिए और एक लकड़ी के ऊपर चढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कितना छोटा सा लकड़ी है और फिर कितना बड़ा कर दिया गया यहाँ पे CGI की मदद से, यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्रभास खुद चढ़ा था उस लकड़ी के ऊपर दौड़ते हुए, ठीक है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो। और दौड़ते हुए यहाँ पे ऊपर में जाके हुक लगाता है, यहाँ पे खुद ही आप देख सकते हो। तो दोस्तों आपको तो वो सीन याद ही होगा जब 4-5 सिपाही एक साथ यहाँ पे देख सकते हो फुटबॉल की तरह आके गिरता है महल के अंदर और उसका साथ थोड़ी देर बाद यहाँ पे प्रभास यहाँ पे देख सकते हो फिसलते हुए जाता है गाड़ी के नीचे और उसका जो सीन था पूरा VFX था एक रूम के अंदर यहाँ पे शूट किया गया था, यहाँ पे खुद ही देख सकते हो। और दोस्तों लास्ट में तो वो सीन आपने जरूर देखा होगा जब राजमाता शिवगामी देवी यहाँ पे बाहुबली को बचाता है पानी के ऊपर यहाँ पे हाथ से उठाते हुए। तो दोस्तों ये जो सीन था ये एक रियल बच्चा नहीं था, यहाँ पे एक डमी यहाँ पे देख सकते हो बोतल का यूज किया गया था पानी का और उसका बाद यहाँ पे देख सकते हो CGI की मदद से यहाँ पे कन्वर्ट किया गया था एक बच्चों का। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।